चलिए ओके बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, आपके पास एक बच्चे का डाउट था कि एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था बच्चों, जब रोटेशन की बात आ जाए, जब किसकी बात आ जाए, रोटेशन की या सर्कुलर मोशन की, जब जहां भी हम बात करते हैं बच्चों, जहां हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, वहां पे हमारे पास वर्ड लग जाता है एंगुलर। भैया बेटा, वहां पे वर्ड क्या लग जाता है आपका? एंगुलर। ठीक है, हाँ। तो जैसे आपने कहा बच्चों, जैसे लीनियर में आपने कहा एक बॉक्स है, ये आपने इस पे फोर्स लगाया तो ये इधर डिस्प्लेस हो गया, तो आपने कहा लीनियर मोशन हुआ, ये फोर्स एफ ने काम करा। यहाँ पे मोशन हुआ तो एक्सेलरेशन भी हुआ बच्चों, तो यहाँ पे आप कहते तो एफ बराबर एम ए। जो फोर्स की बात करते हो, किसी बॉडी का कोई मास है, कोई एक्सेलरेशन है, तो उसे बोला आपने बच्चों फोर्स बोल दिया। ठीक है, अब आपके पास बच्चों कहते हैं सर्कुलर मोशन में, देखो ये एक बॉडी है, ये यहां से ऐसे घूम रही है टेंजेंशियली, देखो ऐसे ऐसे, देखो रेडियस के इस परपेंडिकुलर इस पे फोर्स लग रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखो मान लिया ये बॉडी यहां से यहां घूम गई, यहां से बच्चों ये ए पॉइंट से बेटा यहां घूम गई रिया। ठीक है, तो हम बात करते हैं बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो जो थीटा है ना बेटा, ये थीटा क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या कहलाएगा यहाँ पे? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे ये लेंथ एल, ये आर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे आप थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखू बेटा, हाँ, अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं, तो लेंथ के लिए बच्चों है तो लेंथ ही ना आर्क भी, और रेडियस भी क्या है बच्चों? लेंथ ही है। तो लेंथ को लेंथ से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो ये क्या आया? एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आया बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया रिया बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। रिया आपका ही था ना ये डाउट? ठीक है, हाँ, इसको नोट करिए। कुछ मैंने बता भी रखा है ये पहले कुछ बच्चों को, तो चलो कोई नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों एक्सेलरेशन की, एंगुलर एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? देखो आपने पढ़ा लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपने पढ़ा बच्चों एक्सेलरेशन में वेलोसिटी अपॉन में टाइम पढ़ा बेटा। ठीक है, हाँ, अब अगर आप बात करो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन की, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं पहले। वेलोसिटी को क्या लिखते हो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बेटा? यहां से ओमेगा से लिख देते हैं इसको। इसकी नोटेशन जनरली बच्चों आप ओमेगा यूज करते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। यहाँ पे क्या कहते हो? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, हाँ, तो ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बच्चों? थीटा, थीटा बाय टी हो जाएगा बेटा। क्लियर हो गया इतना सबको? हाँ, देखो अब आपके पास थीटा क्या था? थीटा का डायमेंशन फॉर्मूला अभी अभी निकाला, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, और टाइम के लिए क्या आ गया बच्चों? टी आ गया। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया टी इनवर्स। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? टी इनवर्स, या फिर आप लिख सकते हो बच्चों एम जीरो एल जीरो टी इनवर्स। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा सबको? हाँ, अगर देखो ये एंगल आप पूरा घूम जाए, जैसे आपने कहा आर्क में आप यहां से यहां घूमे, लेकिन जब आप पूरा घूम गए तो एंगल कितना बन गया? 2 पाई, 360 डिग्री घूम गए ना। हाँ, 360 डिग्री मतलब बच्चों 2 पाई। कितने एंगल पे घूम गए आप लोग? 2 पाई के एंगल पे घूम गए बेटा। ठीक है, हाँ सुनो, हाँ हाँ, तो आप क्या लिख सकते हो? ओमेगा को थीटा की जगह 2 पाई पुट कर दो, थीटा की जगह 2 पाई। और जब आप मोशन की बात करते हो सर्कुलर मोशन की, तो क्या लिखते हो? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो ओमेगा का दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया एंगुलर वेलोसिटी का बेटा? ओमेगा
टू पाई बाई टी, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज और पढ़ी, आपने आपने पढ़ी है फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला याद है सबको कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम क्या कहलाता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। अब इसी फॉर्मूले को मैं यहां लिख सकती हूँ बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ, टू पाई एफ, ठीक है। अगर मैं यहां फ्रीक्वेंसी का निकालू तो वही आ जाएगा टाइम इनवर्स, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन की, क्लियर भैया। हाँ अब बात करते हैं बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं जनरली। एंगुलर एक्सेलरेशन की नोटेशन जनरली बच्चों अल्फा डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अपॉन टाइम, मैं लिख देती हूँ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अल्फा एंगुलर वेलोसिटी क्या है बच्चों, ओमेगा अपॉन टाइम, ओमेगा अपॉन टाइम आ जाएगा। अब ओमेगा आपके पास देखो, ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला अभी आपने निकाला था, एम जीरो एल जीरो टी इनवर्स, मतलब मैं कह सकती हूँ टी इनवर्स आएगा ओमेगा का। तो ये आया बच्चों टी इनवर्स डिवाइड बाई टी, तो ये बना टी इनवर्स, एक टी और ऊपर चला गया, तो ये आया टी की पावर माइनस टू। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू, समझ आया रिया बेटा, क्लियर हो गया सबको, बताइए। प्रीति रिया विनय योगेश अवंतिका अभिषेक भोपाल तनीषा रिया सृष्टि चिन्मय, बताइए बच्चों सभी बच्चे, आदित्य शर्मा रोहित अभिषेक, बताओ बच्चों सबको समझ आया। हाँ अब आपके जैसे आप एप्लीकेशन करेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन करते जाएंगे तो और टर्म्स ऐड होती जाएंगी बेटा, ट्रीज, ठीक है, पूरे फिजिक्स के फॉर्मूले आ जाएंगे बच्चों इसके अंदर आपके, धीरे धीरे मैं साथ के साथ बताती चली जाऊंगी। ओके बच्चों, ठीक है। हाँ अब आगे देखो, कुछ क्वेश्चन हम कर रहे थे, सेकंड एप्लीकेशन पढ़ रहे थे बच्चों, उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ मैं अभी। हाँ हम एप्लीकेशन पढ़ रहे थे चेक द रिलेशन की ना, उसमें कुछ और क्वेश्चन देखे एडवांस के। हाँ ओके बच्चों आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, बाकी ये सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट हम सेकंड यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, खूब डिटेल में पढ़ेंगे, खूब अच्छे से याद हो जाएंगे, तब आपको लगेगा ये डायमेंशन फॉर्मूले तो कुछ थे ही नहीं, ठीक है बेटा। जैसे क्वेश्चन आपके पास द वैन डर वाल गैस इक्वेशन पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ठीक है, वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये वैन डर वाल गैस इक्वेशन है बेटा, ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप इसमें, ये क्या है आपकी वैन डर वाल गैस इक्वेशन, वैन डर वाल गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन, ठीक है। हाँ अब इसे पूछा डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, डिटरमाइन द ए और बी की डायमेंशन निकालनी है बच्चों, किसकी डायमेंशन निकालनी है, ए और बी की, बताइए समझ आ गया इतना सबको। हाँ तो देखो पहले मैं इसकी बात करती हूँ, देखो बच्चों ये वी वॉल्यूम है क्वेश्चन में, वी क्या है बेटा वॉल्यूम, पी बच्चों प्रेशर है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ ये इक्वेशन में भी गिवन है कि वी क्या है बच्चों वॉल्यूम, पी क्या है प्रेशर और टी क्या है बच्चों टेम्परेचर। देखो आपने गैस इक्वेशन ये पढ़ी थी ना पी वी इज इक्वल टू आर टी, ये इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है, ये इसी की ही बच्चों मॉडिफाइड फॉर्म है आपकी, ठीक है। हाँ अब आपके पास टेम्परेचर और आपके पास बच्चों V वॉल्यूम P प्रेशर
इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में तो किसी ना किसी एक एग्जाम में अक्सर रिपीट हो जाता है, इनफाइनाइट टाइम इम्पोर्टेंट डाल लेना लिस्ट में, आप जब भी कोई एग्जाम देंगे किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिल जाता है ये क्वेश्चन, जो मैंने कल दो क्वेश्चन करवाए थे वो भी और ये भी, ठीक है। हाँ देखिए कैसे करेंगे बेटा, देखो पहले वॉल्यूम की बात करें, देखो बेटा वॉल्यूम में से वॉल्यूम घट रहा है, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था बच्चों, एल प्लस एल होगा एल माइनस एल होगा, मतलब लेंथ में लेंथ ही ऐड कर सकते हैं, लेंथ में से लेंथ ही घटा सकते हैं, वॉल्यूम में वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं, वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही घटा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, वॉल्यूम में आप वॉल्यूम ही घटा सकते हो बच्चों, मतलब ये बी क्या है आपका वॉल्यूम के बराबर होगा, बी किसके बराबर होगा बच्चों, वॉल्यूम के। तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, वॉल्यूम मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो लिखोगे तो उसको एल लेंथ से ना है तो डिस्टेंस ही ना बेटा वो, हाँ बेटा आज शायद नेटवर्क इशू है एयरटेल में, एयरटेल में है देविक आज थोड़ा सा, हाँ एक बार डिस्कनेक्ट होके दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो फिर रिकॉर्डेड देख लेना आप, ठीक है। हाँ अब देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है बच्चों, हाँ तो ये क्या बना एल क्यूब, ये कितना बन गया बच्चों एल क्यूब बन गया आपका, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला बी क्या आया बच्चों, एल क्यूब, क्या आ गया आपका एल क्यूब, ठीक है, समझ आ गया इतना सबको बच्चों। हाँ आज बच्चों है एयरटेल में इशू चल रहा है, जियो फिर भी चल रहा है, मैंने भी दूसरे से चला रखा है आज, एयरटेल तो चल ही नहीं रहा आज, हाँ बेटा ठीक है, एक बार डिस्कनेक्ट होके ज्वाइन करके देख लो जिस किसी की थोड़ी नेटवर्क इशू है और फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार बच्चों रिकॉर्ड देख लेना आप लोग, ठीक है, जिन बच्चों का चल रहा है वो देख लो। हाँ बेटा अटेंडेंस में ले लेते हो, अटेंडेंस लगवा दो सारे बच्चे, तो अगर नेट चल रहा है तो कंटिन्यू रहो बच्चों, फायदे में रहोगे, ठीक है। हाँ देखो तो बी किसके बराबर हो गया बच्चों, एल क्यूब के आपके पास, ठीक है बेटा। हाँ आगे देखिए, अब ये क्या है बच्चों, प्रेशर, ये क्या है बेटा, प्रेशर है आपका, थोड़ा बहुत बीच में एक आध बार हो रहा है, मेरा भी हो रहा है वो, मेरे पास से भी हो रहा है कभी कभार, लेकिन हो जाएगा बच्चों सही, ठीक है। हाँ तो P क्या है बच्चों, प्रेशर, P बराबर है बच्चों A by V के स्केयर के, P किसके बराबर है बेटा, A by V का स्केयर, ठीक है। हाँ तो P को क्या लिख सकते हो, देखो प्रेशर में बच्चों प्रेशर ही ऐड कर सकते हो, प्रेशर में आप प्रेशर ही बच्चों ऐड कर सकते हो, तो ये बच्चों प्रेशर के बराबर हो गया A by V का स्केयर, आपको A चाहिए बेटा तो P into V का स्केयर, P क्या है बच्चों, प्रेशर, P क्या है बेटा, प्रेशर, हाँ विनय मित्तल बेटा, ठीक है, प्रेशर मतलब बेटा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का बच्चों एम एल टी माइनस टू, एरिया का बच्चों एल स्केयर, एल से एल बेटा कैंसिल, तो क्या आया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। प्रेशर का तो पता है ना, फोर्स अपॉन एरिया, गौरव चौधरी सही चल रहा है बेटा, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये क्या है बच्चों, वॉल्यूम, वॉल्यूम का स्केयर है बेटा ये, तो वॉल्यूम मतलब एल क्यूब और इसका स्केयर बेटा, तो ये आया बच्चों एम एल माइनस वन टी माइनस टू एल की पावर सिक्स, एल की पावर सिक्स बच्चों। हाँ अब आपके पास यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, ए बराबर एम एल फाइव टी माइनस टू, एम एल फाइव टी माइनस टू, क्लियर हो गया सबको। हाँ क्लियर आ गया सबको समझ में बच्चों, नेटवर्क इशू हो रहा है, हाँ बेटा हो रहा है, बीच बीच में हो जाएगा सही, थोड़ा सा चल रहा है मेरे पास से भी चल रहा है ये, अब सही है, अब सही चलेगा, अरे अब ठीक चलेगा, अब सही है। हाँ ठीक है बेटा, तो ए किसके बराबर हो गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू एल की पावर फाइव, देखो सेम बेस है बच्चों, पावर ऐड हो जाएगी,
तो 6 में से बन जाएगा 5। तो a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, ML5T की पावर -2। क्लियर हो गया बेटा, नोट करिए इस क्वेश्चन को बच्चों, फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए बेटा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि व्हेन व्हाइट लाइट इज ट्रेवल थ्रू ए ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास μ = V/C। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, आपने थोड़ा पहले भी पढ़ा होगा 10th में ऑप्टिक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है म्यू बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन ए मीडियम, ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इन वैक्यूम कह सकते हो, वैक्यूम एयर कोई भी, मतलब ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा ये कम होगा, ठीक है। देखो जैसे मैं कहूँ ये बच्चों सरफेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली बच्चों होता क्या है, ठीक है, ये आपने पढ़ा म्यू बराबर वी बाई सी, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा बच्चों ये सरफेस है, जैसे इसके नीचे पानी भरा हुआ है बच्चों और ऊपर बच्चों एयर है, ये इस सरफेस का नॉर्मल मान लिया। तो आपने पढ़ा है बच्चों जब रे ऑफ लाइट एयर टू डेंसर जाती है, एयर से किधर, ये बच्चों इसे बोलते हैं बच्चों एयर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μ1 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है बच्चों, μ2 का। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा बच्चों वो ज्यादा डेंस होगा, वो ज्यादा डेंस होगा। तो आपने पढ़ा है बच्चों जब रे ऑफ लाइट एयर से किधर जाती है, डेंसर, तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये किधर मुड़ जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर इसी बात को उल्टा कह दूं, अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से एयर जाती है, डेंसर से किधर जा रही है, एयर ऐसे जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से अवे मुड़ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात पढ़ी है ना 10th में आपने, अगर रे ऑफ लाइट एयर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से एयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये किस बेसिस पे कह रहे हैं बच्चों, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे कहा आपने, कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बच्चों फिजिकली, बट इट सेपरेट द टू मीडियम, इसके बेसिस पे हम दो मीडियम का डिफरेंस कर पाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे पढ़ना है बच्चों ओनली जस्ट डायमेंशनल एनालिसिस की फॉर्म में, ठीक है, ये सबको क्लियर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपके पास रे ऑफ लाइट जो है थ्रू ए ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास भी हो सकता है, जैसे ये ग्लास है, कांच की स्लैब है, रे ऑफ लाइट इससे आ रही है, ठीक है, तो वो कोई भी हो सकता है, मीडियम, वाटर, ग्लास, मीका सीट, कुछ भी हो सकता है बच्चों। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा हूं म्यू बाई सी है, इज फाउंड टू वेरी विद वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ के साथ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों वेरी कर रहा है इस तरीके से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहा है, वेवलेंथ के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए और बी, उसने कहा है बच्चों कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपका, आप ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे 12th क्लास में, बी बाई लैम्बडा का स्क्वायर, वो कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के साथ क्या कर रहा है बच्चों, वेरी कर रहा है, ठीक है। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। देखो आप ऐसे समझ सकते हो, म्यू क्या होता है बच्चों, वी बाई सी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू का फॉर्मूला पढ़ते हैं बच्चों, या एफ का सी बाई लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बच्चों सी बाई लैम्बडा आपके पास, ठीक है। तो मैं सी को क्या लिख सकती हूँ बच्चों, एफ इंटू लैम्बडा, तो मैं यहां से देख रही हूँ बच्चों वी अपॉन में एफ इंटू लैम्बडा, ठीक है, और इसके लिए लिखूंगी तो लैम्बडा डैश लिख दूंगी मैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बच्चों एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय चेंज नहीं होती, ये बात करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो डेंसिटी चेंज नहीं होती ना, सॉरी फ्रीक्वेंसी मैटर की प्रॉपर्टी, ये चेंज नहीं होती, क्यों, देखो अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हो तो स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, तो ये रेशो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अभी जस्ट ये ध्यान रखो कि फ्रीक्वेंसी कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज नहीं होती, ओनली स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है बच्चों। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं बेटा तो स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। तो देखो यहां से भी क्या पता लगा आपको, म्यू जो है आपके पास लैम्बडा डैश बाय लैम्बडा आया, ठीक है, तो इसको कह सकती हूँ मैं रे ऑफ लाइट किधर जा रही है, 1 से 2, तो आप लिख सकते हो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। मैं थोड़ा सा कंसेप्ट की नॉलेज दे रही हूँ, बाकी तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। देखो आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है, ये याद भी नहीं रहती आप लोगों को, आपने लिखा रहता है कि 1 से 2, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ऐसे बोलते हो ना, विद रिस्पेक्ट टू वन। तो याद रखना बच्चों, ये टू है ना, ये टू वाला, इसको बोलेंगे भी पहले और लिखेंगे भी पहले। जैसे मैं लिखा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, और जब इसको खोल लूंगी तो इसको लिख दूंगी बच्चों मैं म्यू टू बाई म्यू वन। ये एक ही बात है, एक ही बात है बच्चों, ठीक है। अब ये किसके बराबर था, सी बाई लैम्बडा के, सॉरी वी बाई सी के। वी को क्या लिख सकते हो, मान ले मीडियम में फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं, अभी अभी बताया ना मैंने, फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हो, सी बाई लैम्बडा, तो सी हो गया एफ लैम्बडा। इसी तरह वी के लिए लिखोगे तो ये बच्चों लैम्बडा है मीडियम में वेवलेंथ है, और ये आगे बच्चों एयर में। तो आपने देखा यहां से कि म्यू टू बाई म्यू वन बराबर है लैम्बडा एम बाई लैम्बडा एयर के। तो म्यू टू क्या है, जिसका मीडियम ज्यादा है तो इसको मैं म्यू एम कह सकती हूँ, और ये क्या है बच्चों एयर, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बच्चों कम है उसे ये कह सकते हो, जिसका ज्यादा आपको ये कह सकते हो। तो एयर का बच्चों वन हो जाएगा। तो देखो यहां से आप क्या कह सकते हो कि ये आया आपका म्यू टू बाई म्यू वन आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब ये यहां से क्या कह सकते हो बच्चों कि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वेवलेंथ है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के, सॉरी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों वेवलेंथ के, ठीक है। अब देखो यहां से आपको ये बस थोड़ी सी ऐसी नॉलेज बता रही थी मैं, बाकी हम ऑप्टिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आपके इस क्वेश्चन में आ जाओ, ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के साथ बच्चों वैरी करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के साथ वैरी करता है, इस क्वेश्चन में आ जाओ। बस ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नॉलेज याद रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट इट सेपरेट द टू मीडियम, बट इट सेपरेट द बच्चों टू मीडियम, ये दो मीडियम को सेपरेट करता है, ठीक है। एक मीडियम ये, एक मीडियम ये, और इसका फॉर्मूला होता है v / c, इतना याद रखो, बाकी ऑप्टिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखो बच्चों ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के साथ ऐसे वैरी करता है, ये दे रहा है। तो ए और बी का डायमेंशन बताना, क्या बताना बच्चों, ए और बी का डायमेंशन बताना है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये आपके पास क्या है, ए और ये क्या है बच्चों बी है। तो देखो ये इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे मैंने कहा एल प्लस एल बराबर एल, तो ये लेंथ में लेंथ ऐड करा तो ये लेंथ आया, इसका मतलब बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐड करा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला। तो मैं क्या कह सकती हूँ, ए बराबर म्यू, और म्यू क्या है बच्चों वी बाई सी के, ठीक है। तो स्पीड देखो, ये भी वेलोसिटी है बच्चों, ये भी है तो वेलोसिटी, स्पीड ऑफ है तो स्पीड ही ना दोनों, तो दोनों स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, स्पीड एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन है तो स्पीड ही ना बच्चों, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो ये ए बराबर है बच्चों म्यू के, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया यहाँ से बच्चों, एम जीरो एल जीरो और आपका टी जीरो। क्लियर हो गया बेटा सबको, समझ आ गया। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ए का, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से रिपीट करती हूँ इस बात को कि आपके पास ये दे रखा है और आपसे ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है, आपको बस ये नॉलेज होनी चाहिए म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली नॉलेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम को सेपरेट करता है और ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया, एम जीरो एल जीरो और टी जीरो, ठीक है। सिमिलरली आप बी का निकालो, देखो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो ऐड हो रहा है ना, तो ये भी किसके बराबर होगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐड करूंगी तभी तो ये मिलेगा ना, तो ये भी क्या है किसके बराबर होगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो आप लिखेंगे म्यू बराबर बी बाई लैम्बडा का स्क्वायर, तो बी बराबर हो गया बच्चों म्यू इंटू लैम्बडा, लैम्बडा क्या है बच्चों वेव लेंथ, जैसे आप कहते हो वेव, आपने कहा ये वेव इधर से ऐसे चली तो ये जो डिस्टेंस बनी इसे आपने लैम्बडा वेव लेंथ का है, तो बच्चों डिस्टेंस ही ना, वेव यहां से यहां कितनी चली, ठीक है, वेव के फॉर्म में आपने इसको क्या कह दिया लैम्बडा, तो है तो बच्चों डिस्टेंस ही ना बेटा इसको, तो आप क्या लिखेंगे बेटा इसको, म्यू का डायमेंशन फॉर्मूला अभी देख लिया आपने कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, तो ये आया बेटा एम जीरो एल जीरो टी जीरो और ये आपका एल का स्केयर, तो ये तो बच्चों वन हो गया, तो क्या आ गया एल का स्केयर, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बी क्या आ गया बच्चों एल स्केयर, ये तो ये डायम, ठीक है बच्चों, तो ये
एमएसएन फॉर्मूला किसका आ गया, बी का, और ये किसका आ गया, ए का, आपसे यही पूछा था, ठीक है। हाँ क्लियर हो गया, समझ आ गया, नोट कर लीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके पास, फिर से बताऊं, हो गया सबका, हो गया ठीक है। ये दे रखा और ए और बी का पूछा है, तो याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐड करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही मिलेगा ना बेटा। तो ए बराबर म्यू हो गया और बी बराबर क्या हो गया, म्यू। म्यू एच ओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस है, क्वांटिटी है बेटा, ठीक है। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, यहां से क्वेश्चन में कह रहा आपसे वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। इसका क्या बताना आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है ओमेगा और के का, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा और के। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड के बच्चों, ठीक है। ये मैंने देखो जब मैथमेटिकल टूल समझाए थे आपको तब बताई थी बच्चों, ये वेव की इक्वेशन होती है, ये क्या होती है, वेव की इक्वेशन, वेव इक्वेशन, ठीक है। हाँ तो ये क्या होता है बच्चों, ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो मैंने उल्टा भी बताया था बच्चों, अगर यह बीच में माइनस है तो वेव किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलो छोड़ो इन बातों में ज्यादा नहीं घुसेंगे, सिंपली याद रखो कि एक एक्स की इक्वेशन है बच्चों, वेव की इक्वेशन। आपसे पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड के क्या होगा आपके पास, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों आपके पास, ये वैल्यू क्या होगी बताओ, आप लोग सोच के क्या हो सकती है बेटा। देखो बेटा आपने ऐसे लिखते हो साइन थीटा, ये एंगल ही तो है बच्चों, देखो साइन के साथ जो लिखा रहता है वो एंगल ही तो होता है ना बच्चों, वो हो सकता है एक्स स्क्वायर हो, वो हो सकता है बच्चों आपके पास एक्स माइनस के टी हो, किसी से अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, अलग अलग कंसेप्ट पे अलग अलग, लेकिन बच्चों ये है तो थीटा ही ना। तो मतलब क्या है, मतलब बच्चों कि ये थीटा में थीटा घट रहा है यहाँ से, तो ये एक्चुअल ओवरऑल एंगल थीटा मिलेगा आपको, ये है तो पूरा ओवरऑल एंगल थीटा ही बता रहा है ना बच्चों ये। तो मैं क्या लिखूंगी कि ओमेगा टी बराबर थीटा, थीटा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, एम जीरो एल जीरो टी जीरो बराबर वन, एक ही तो बात है ना। अरे ये एंगल ही है ना बेटा, ये देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ वाई बराबर ए साइन थीटा, दिस इज ऑल्सो द वेव इक्वेशन, और ये बता रहा है ट्रेवलिंग को, के क्या होता है बच्चों यहाँ पे प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट, प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट, और ओमेगा क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया बच्चों, हाँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये क्या होता है बच्चों या एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास के प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। हाँ आप देखिए यहां से, अब यहाँ पे देखिए बच्चा बेटा ये क्या है एंगल, तो मैं क्या लिखूं ओमेगा टी बराबर थीटा, तो ये बच्चों डायमेंशनल लेस है, तो डायमेंशनल लेस है बच्चों, तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको वन, तो ओमेगा किसके बराबर हो गया, वन बाई टी के, ठीक है। तो ये क्या आ गया बच्चों एफ टी का इनवर्स, और वैसे भी आपको पता है कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो ये ओमेगा किसके बराबर हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बच्चों ओमेगा का। और दूसरा पूछा उसने के का, तो के एक्स भी बच्चों थीटा के बराबर होगा, थीटा मतलब बच्चों वन, थीटा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, अरे थीटा क्या होता है आर का अपॉन रेडियस, तो है तो बच्चों डिस्टेंस ही ना, तो डिस्टेंस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा कैंसिल हो जाएगी, तो आप लिख सकते हो एक्स बराबर ना के बराबर वन बाई एक्स, वन बाई एक्स, और एक्स को क्या लिख दोगे बच्चों एल, तो क्या आ गया एल इनवर्स, ठीक है। तो के का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया एल इनवर्स, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट के लिए आ गया, जब वेव ट्रेवल कर रही है, ये इक्वेशन कब लिखते हैं ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन, जब वेव चल रही है, और जब मैंने ऐसे लिखा ना वाई बराबर ए साइन थीटा या ओमेगा टी, ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव है, वेव खड़ी हुई है, रुकी हुई है वेव, और ये बता रहा है कि वेव चल रही है, ये हम पढ़ेंगे बच्चों कैसे आया 10th यूनिट में, लेकिन आप डायमेंशन एनालिसिस में इतना याद रखो कि ये वेव की इक्वेशन है बच्चों। उसने पूछा है कि ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला, तो मैंने बताया बच्चों ये थीटा होगा, ठीक है, तो थीटा में से थीटा ही घटेगा बच्चों, तो
और जीरो क्या होता है, वन। तो ये आपका पास क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये आ गया बच्चों आपका प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट के लिए। ठीक है, प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट का अगर तुम फॉर्मूला याद रखो कहीं यूज में आ जाए बच्चों, तो होता है 2π/λ। हम पढ़ेंगे आगे कि क्या होता है 2π/λ। देखो वैसे भी समझ आ रहा है, लैम्डा वेवलेंथ है, 2π का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो एल इनवर्स आया ना, यहाँ से भी क्या आ रहा आपका एल इनवर्स। ये क्या होता है बच्चों, प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट, 2π का कॉन्स्टेंट, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 2π/λ अगर कहीं आ जाए तो। ठीक है, तो k की वैल्यू बच्चों एल इनवर्स। तो याद रखना प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों एल इनवर्स। आया बच्चों समझ में, एक बार बताइए, डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी दोबारा से। आगे बच्चों, तो ये ओमेगा और के का डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपसे कह रहा है, आपसे वो ये कह रहा है बच्चों कि आपके पास ये दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है आपको 3/16 mv का स्केल, क्वेश्चन का ए पार्ट, और क्वेश्चन के बी पार्ट में दे कह रहा है बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 1/2 mv का स्केयर प्लस ma। तो क्वेश्चन ने पूछा है बताइए विच वन ऑफ द रिलेशन इज डायमेंशनली एक्सेप्टेड। देखो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ बच्चों, रिलेशन क्या बोल रही हूँ, विच वन ऑफ द रिलेशन, यानी तो विच वन ऑफ द रिलेशन, वन ऑफ द रिलेशन डायमेंशनली एक्सेप्टेड, डायमेंशनली एक्सेप्टेड मतलब डायमेंशनली एक्सेप्टेड वर्ड क्या कह रहा है बच्चों, डायमेंशनली करेक्ट है, कि इन दोनों में से कौन सा रिलेशन बच्चों डायमेंशनली आपका करेक्ट होगा आपके पास। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो वो डायमेंशनली बात कर रहे हैं बच्चों, फिजिकली नहीं, याद रखना। तो मैंने कहा था बच्चों कॉन्स्टेंट टर्म्स का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको सबको पता है 1/2 mv² होता है, लेकिन बच्चों 1/2 का भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, 3/16 का भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो आपके पास कोई भी एनर्जी हो सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ml2t-2, या आपने पढ़ा वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वाले से लगा दो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। जब हमें करेक्टनेस को चेक करना है, इसका मतलब उसने कहा डायमेंशनली एक्सेप्टेड का मतलब कौन सा डायमेंशनली करेक्ट है, कौन सा डायमेंशनली बच्चों करेक्ट है, तो क्या बताया था कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बच्चों चेक करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया, राइट हैंड साइड को देखते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या आया बच्चों, 3/16 का बेटा कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो क्या आ जाएगा mv² और m का बच्चों मास, डिस्टेंस का l/t का स्केयर, तो क्या आया बच्चों ml²t-2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आया राइट हैंड साइड। तो देखो राइट हैंड साइड बच्चों इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है बच्चों। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों राइट हैंड साइड, तो आप कह सकते हो दिस रिलेशन इज डायमेंशनली बच्चों करेक्ट, डायमेंशनली क्या है बच्चों ये करेक्ट है, मतलब डायमेंशनली आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिजिकली तो यहाँ 1/2 आना चाहिए, लेकिन आप डायमेंशनली कह सकते हो, लेंथ ब्रेथ हाइट की फॉर्म में कह सकते हो कि डायमेंशनली दिस रिलेशन इज करेक्ट बच्चों। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, इसमें देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का तो वही होगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा आपका ml²t-2 बेटा। ठीक है, अब आपके पास m इधर राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है, ये है तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी, तो इसका तो क्या आ जाएगा 1/2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों नहीं होगा, तो ये आएगा ml²/t² और ये बच्चों मास का m और एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम और वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो l/t का स्केयर। अब देखो आपके पास क्या मिला ml²/t² प्लस ml/t का स्केयर। ठीक है, अब एक बात देखो यहां से, अब इनको आप ये जो फॉर्मूला आया डायमेंशनल फॉर्मूला इधर, क्या ये इसके इक्वल आ रहा है बच्चों, ये इसके इक्वल नहीं आ रहा ना। देखो कैसे नहीं आ रहा, देखो अगर आप कहो बच्चों ml²t-2
और ये इधर आया M L T -2। तो मास में मास ऐड करोगे मास मिल जाएगा। L स्क्वायर में L ऐड नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास रिलेशन है L प्लस L, L ही होना चाहिए, L माइनस L, L ही होना चाहिए। दूसरा T की पावर माइनस टू, ठीक है, मतलब ये रिलेशन बच्चों इसके बराबर नहीं आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल बच्चों राइट हैंड साइड भी। तो आप कहेंगे दिस रिलेशन इज नॉट डायमेंशनली एक्सेप्टेड। डायमेंशनली बच्चों आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया बच्चों? तो आप लिखेंगे दिस रिलेशन नॉट डायमेंशनली करेक्ट, नॉट करेक्ट डायमेंशनली बच्चों ये करेक्ट नहीं है। क्लियर हो गया? नोट करिए बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, ओके, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आपका अक्सर आपके एक एग्जाम में जरूर रहेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, और उसमें तुम गलतियां क्या करते हो वो भी बताऊंगी मैं आप सबको, आप लोग क्या गलती मिस्टेक्स कर देते हो उस क्वेश्चन में, अभी जो करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है क्वेश्चन, क्या है बेटा आपका, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दूं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। क्वेश्चन कह रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए पाइप, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रो ए पाइप कितना दे रखा है, ऑफ रेडियस पाइप ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एंड प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या था बेटा, प्रेशर अपॉन लेंथ, पहले किसने कह दिया पी बाई एल, ठीक है, इज गिवन बाई पोएसुली, फॉर्मूला क्या दे रखा है बच्चों आपको, V बराबर पाई बाई एट पी आर की पावर फोर निट्टा एल। चेक द डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, ये बताना आपको क्या ये रिलेशन डायमेंशनली बच्चों करेक्ट है। देखो ये आपके पास क्या बताता है कि एक पाइप में से पानी जब फ्लो कर रहा है तो किस रेट से फ्लो करता है, ठीक है। तो ये रिलेशन है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे बच्चों 7th रेट में डिटेल में, फिलहाल इतना याद रखो कि ये रिलेशन होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का। तो लैंग्वेज यहां समझिए, इसमें गलतियां क्या करोगे, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, वी क्या है बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम, वी क्या है बच्चों वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, पी क्या है बच्चों प्रेशर, पी क्या है बच्चों प्रेशर, एल क्या है बच्चों लेंथ, ठीक है, आर क्या है बच्चों रेडियस, आर क्या है रेडियस ऑफ द पाइप, ठीक है, आर रेडियस ऑफ द पाइप, एल लेंथ बच्चों, ठीक है, और निटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कांसेप्ट पीछे समझाया था मैंने कि जब पानी सरफेस पे बह रहा है तो ऊपर जाते जाते उसमें फोर्स चेंज होता जाता है, हमने लिखा था F बराबर निटा ए डीवी बाई डीएक्स, तो यहां से हमने निकाला था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, तो ये बच्चों कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर में समझाया था मैंने पूरा डिटेल में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मैंने बताया था कि ये पानी फ्लो कर रहा है तो नीचे वाली लेयर की स्पीड सबसे कम होगी, फिर स्पीड बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, ऊपर जाते जाते स्पीड बढ़ रही, जब ये पहली, अब यह मान लिया था वी वेलोसिटी ये अगली, ठीक है, तो ये लेयर में ये अलग अलग लिक्विड के लिए ये फोर्स चेंज होता रहेगा, कि ऊपर वाली लेयर के लिए हो सकता है वाटर के ऊपर वाली लेयर का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो सकता है ऑयल का 4 हो, तो ये जो 5-4 जो ऊपर वाली लेयर की स्पीड में डिफरेंस आ रहा है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंडिकेट कर रहा है बच्चों। जैसे मान ले वाटर है, ऊपर वाली लेयर की बात कर लेते हैं, ऊपर वाली लेयर में वाटर में हो सकता है बच्चों स्पीड 5 हो सकता है बच्चों ऑयल में 4 हो, सरसों के तेल में 4 हो,
शायद में कुछ और होगी बच्चों, तो आपके पास जैसे मैंने कहा कि एक गिलास पानी को फर्श पे डाल दो तो पूरे में बिखर जाएगा, लेकिन अगर एक गिलास शहद को डालोगे तो वहीं के वहीं रह जाएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी में जो चेंज आया बच्चों, वो नहीं फैल पाया, उसे बोला कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, और उसको प्रॉपर्टी को बोलते थे कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी बच्चों, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, लिक्विड में जो डेंसिटी का काम कर रहा है एक तरीके से ये कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, बाकी मैंने डिटेल में पीछे लेक्चर में समझाया था। तो आपसे पूछ रहा है ये बताना बच्चों आपको जस्ट यहाँ पे कि ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है बेटा या नहीं है। कैमरा सही चल रहा है कि दिस रिलेशन इज डायमेंशनली बच्चों करेक्ट और नोट। ठीक है बेटा, तो कैसे करेंगे, हटा दूं मैं ये सब, नोट कर लिया सबने। देखो उसने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए पाइप ऑफ रेडियस, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो वी, वी लिखा हुआ है बच्चों इसने, आप कंफ्यूज मत होना, वी मतलब वॉल्यूम, रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इसका मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड थ्रू ए पाइप ऑफ रेडियस ऑफ दिस। तो वी रेट ऑफ, रेट मतलब बच्चों टाइम को इंडिकेट करता है, तो ये वी वॉल्यूम नहीं है बच्चों सिर्फ, ये क्या है, रेट ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ वॉल्यूम, ये वी वॉल्यूम नहीं है, ये क्या है, रेट ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ वॉल्यूम का मतलब बच्चों वॉल्यूम अपॉन टाइम। और बच्चे अक्सर यही एक मिस्टेक करते हैं, इसको वॉल्यूम समझ के और इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चों एल क्यूब, फिर इधर से सॉल्व करेंगे तो ये गलत आएगा, तो लिख देते हैं डायमेंशनली इनकरेक्ट बच्चों, पर ये डायमेंशनली करेक्ट है ये रिलेशन। ठीक है बेटा, तो देखो ये क्या है, रेट ऑफ वॉल्यूम, वी क्या है बच्चों, रेट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, रेट ऑफ वॉल्यूम का रेट वर्ड पता था, अब पता टाइम रेट ऑफ चेंज, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब ऐसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट वर्ड यहाँ टाइम को इंडिकेट करते हैं, तो क्या लिखोगे बच्चों, v by t। ठीक है, वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे बच्चों, एल क्यूब, और टाइम के लिए बच्चों t। तो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशनल फॉर्मूला आया बेटा आपका एल क्यूब टी इनवर्स, क्या आया बेटा, एल क्यूब टी इनवर्स आया। क्लियर बच्चों, अब ये आ गया आपका बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में, अब बात करते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में बच्चों देखो पाई बाई एट एक कॉन्स्टेंट है बच्चों, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला बेटा नहीं होता, लेकिन मैं बात करूं अब राइट हैंड साइड, तो क्या बचा बच्चों पी आर की पावर 4 नीटा एल, क्योंकि कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता पाई बाई एट का। अब इनका या तो अलग अलग लिख लो आप लोग, इधर साइड में प्रेशर बच्चों फोर्स अपॉन एरिया सबको पता होना चाहिए, फोर्स का एम एल टी माइनस टू बेटा, और एरिया का एल स्केयर, तो ये आया आपका प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल माइनस वन टी माइनस टू बच्चों, और एल लेंथ बच्चों आर रेडियस है, निटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका होता है बच्चों एम एल माइनस वन टी माइनस वन। कैसे आया, तो मैंने स्टोक्स लॉ बताया था एक, तो या तो वहां से निकाल लो, दो रिलेशन बताए थे कि हम दोनों में से किसी से भी निकालो आंसर सेम आएगा, निटा ए डीवी बाय डीएक्स, या तो इससे निकाल लो, ठीक है, डीवी बाय डीएक्स मतलब है तो वेलोसिटी ना बच्चों, और डीवी बाय डीएक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है, तो यहां से निकालो, तो यहां से निकालो, या ऐसे निकालो सिक्स पाई निटा आर बी, ये स्टोक्स लॉ था, ये कब बताया था, जब बॉल पानी में तैर, सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है, ये तो ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब लिक्विड लेयर के बीच में फ्रिक्शन है, ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब ये लिक्विड लेयर बह रही है, तो ये आगे जाना चाह रही है, ये इसको पीछे खींच रही है, तो ये जब लिक्विड लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जैसे एक बॉक्स को आप आगे सरकाते हो मैकेनिकल फिजिक्स में, तो आपने कहा जब आपने बॉक्स को आगे लगाया तो पीछे फ्रिक्शन लगा, आपने पैरों को आगे खिंचकाया तो पीछे फ्रिक्शन लगा बच्चों, ठीक है, तो ऐसे लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है बच्चों उसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फ्रिक्शनल फोर्स इन लिक्विड, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लिक्विड, ये डिपेंड करता है उसकी उसकी डेंसिटी, उसकी उसका नेचर कैसा है, उस लिक्विड का नेचर कैसा है, वो शहद है, वो पानी है, वो तेल है, वो बोलता है नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो कौन बताता है बच्चों, नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए बच्चों एरिया, वी वेलोसिटी और डी एक्स डिस्टेंस। अगर मैं ये कहूं, हाँ ये तो कब लगाते हैं, जब फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों लिक्विड लेयर्स के बीच, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, ठीक है, ये कब लगाते हैं, जब फ्रिक्शनल फोर्स लिक्विड लेयर्स के बीच में हो, और ये कब लगाते हैं, जब मान ले पानी है और इसमें एक बॉल तैर रही है, ये बॉल आगे जा रही है, ठीक है, पानी में, तो आप देखो ये लिक्विड लेयर्स इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा, तो सॉलिड प्लस लिक्विड,
जैसे बोट है, बोट पानी पे चल रही है बच्चों, तो बोट कैसी है? सॉलिड। और पानी कैसा है? लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में जब फ्रिक्शनल फोर्स लगता है तब हम लगाते हैं स्टोक्स लॉ। तब हम क्या लगाते हैं बेटा? स्टोक्स लॉ लगाते हैं। क्लियर बच्चों इतनी बात? तो क्या आया बेटा यहाँ, यहां से निकाल सकते हो? निकाल दूंगा, तो ये आया, इससे निकाल देती हूँ। निकटा 6 पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो एफ बाई आर बी। तो फोर्स का बच्चों एम एल टी माइनस टू, और आर एल डिस्टेंस, एल बाई टी, अरे वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एल बाई टी हो गया। एक एल से एक एल कैंसिल, तो ये आया बच्चों एम एल माइनस वन। और देखो ये एक में सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी तो टी माइनस वन। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है बच्चों एम एल माइनस वन टी माइनस वन बेटा। क्लियर बच्चों? हाँ, अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। अब ये सारी वैल्यूज बेटा यहाँ पे पुट कर दो। तो पी बच्चों प्रेशर, प्रेशर का क्या है? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और रेडियस है बच्चों इसका, तो एल की पावर फोर हो जाएगा। और निकटा क्या है बच्चों? एम एल माइनस वन टी माइनस वन, और ये बच्चों एल हो जाएगा। ठीक है, एम से एम बेटा कैंसिल हो गया, एक एल से एक एल भी, एल एल इनवर्स एल इनवर्स बच्चों एल कैंसिल। ठीक है, एक एल से बेटा ये एक एल भी कैंसिल। अब सोल्व करते हैं। अब आपके पास बच्चा बेटा टी की पावर माइनस टू, टी की पावर माइनस वन और एल क्यूब। आप लिख सकते हो एल क्यूब और टी की पावर माइनस टू, और ये ऊपर जाएगा तो बच्चों टी की पावर प्लस वन हो जाएगा। सेम बेस है बच्चों, पावर ऐड कर दो, तो ये आया बच्चों एल क्यूब टी की पावर माइनस टू प्लस वन। तो ये आया बेटा एल क्यूब टी की पावर माइनस वन। तो देखो यहाँ से, यहाँ पे भी क्या आया एल क्यूब टी की पावर माइनस वन, और राइट हैंड साइड में भी क्या आया बेटा एल क्यूब टी माइनस वन। तब क्या कहेंगे? दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये रिलेशन डायमेंशनली क्या है बच्चों? करेक्ट। नोट करो, एक क्वेश्चन नोट करते हैं। समझ आया बच्चों? बस यहाँ पे ये याद रखना पी प्रेशर और नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल माइनस वन टी माइनस वन, वैसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, नोट करिए बच्चों। हो गया नोट बच्चों सबका? जल्दी नोट कर लो, बता डाल दिया मैंने, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आप लोगों को दो टर्म समझा देती हूँ, जाकि अक्सर आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चों एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एक क्वेश्चन था, ये एक बच्चे ने पूछा भी था। मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों? एल इज इक्वल्स टू एम वी आर। जैसे आपने कहा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चों? एम वी। ठीक है, एंगुलर मतलब बच्चों जब आप सर्कुलर मोशन की बात करें। ठीक है, तो जब एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अबाउट जो फोर्स लग रहा है तो उसे क्या बोलते हो आप लोग? एंगुलर मोमेंटम। आप इसको ऐसे लिख सकते हो एल बराबर पी इंटू आर। मतलब देखो लीनियरली जो मोमेंटम हो रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, देखो टेंजेंशियली ऐसे जा रहा है ये पी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसका ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा बच्चों किसका? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसको पी आर भी लिख सकते हो या पी की वैल्यू एम बी पुट कर दी तो ये बन गया आपके पास एम बी आर। ठीक है, तो एल बराबर एम वेलोसिटी बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये बच्चों आपका डिस्टेंस, तो ये बना बच्चों एल एम एल स्क्वायर टी माइनस वन बेटा। ठीक है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला है बच्चों एंगुलर मोमेंटम। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों अक्सर अक्सर एग्जाम्स में रिपीट हो जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट या प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशनल फॉर्मूले में रिलेशन पूछा जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे हम बात करते हैं बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होगा बच्चों? देखो एनर्जी क्या होती है बच्चों? एच न्यू, एच एफ लिख लो, न्यू कह दो, या देखो फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी लिखते हैं और बच्चों एफ से भी। न्यू मतलब वी बना के थोड़ा ऊपर से मोड़ दो, ऐसे वी बनाया और थोड़ा ऊपर से मोड़ दो, इसे बोलते हैं न्यू।
न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को एफ से भी लिख देते हैं या न्यू से भी। तो किसी बुक में तुम्हें न्यू लिखा मिलेगा और किसी बुक में तुम्हें एफ लिखा मिलेगा, ठीक है बेटा। हाँ तो ये एनर्जी ई बराबर एच एफ, ठीक है, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है तो एच का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हो बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो एच बराबर क्या आया, एनर्जी वन बाई टी, तो टी ऊपर चला जाएगा बेटा। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला सबको पता है, ML 2T minus 2, अरे वर्कडन वाला लिख लेना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एनर्जी मैंने कहा था फोर्स और एनर्जी का याद कर लो, फोर्स का होता है ML T minus 2, फोर्स का निकालते हैं M into A relations, और एनर्जी का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्कडन वाला फॉर्मूला। और देखो फोर्स वाले में जब एल से मल्टीप्लाई कर दोगे ML 2T minus 2, तो ये एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। और टाइम के लिए बच्चों टी, तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है बच्चों, एम एल स्क्वायर, देखो सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या आएगा माइनस वन, टी की पावर माइनस वन। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आया बच्चों एच प्लैंक्स कांस्टेंट, किसका डायमेंशन फॉर्मूला है बेटा, ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट का। अब देखो इन दोनों में देखो, ये दोनों आपस में बराबर है ना, देखो एंगुलर मोमेंट, देखो वैसे वैसे फिजिकली दोनों क्वांटिटीज का कंसेप्ट अलग है बच्चों, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है। आप क्या कह सकते हो, डायमेंशनली दोनों क्या है, सेम है। डायमेंशनली क्या है बच्चों, दोनों सेम है, डायमेंशनली दोनों क्या है बच्चों, सेम है आपके पास, क्लियर बेटा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला एज दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या ऐसे पूछ लेगा विच वन ऑफ द क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला एज दैट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो क्या लिखे, प्लैंक्स कांस्टेंट का पूछे तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम पूछे तो बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, और ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का, और दोनों डायमेंशनली इक्वल, ठीक है, समझ आ गया। नोट करो, एक क्वेश्चन लास्ट और करते हैं फिर आपकी क्लास खत्म। ये बीच में मैंने इसलिए बताया ताकि आपको अलग से बताऊंगी तो याद रहेगा हमेशा, अगर मैं सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूले के साथ बता देती तो आपको याद नहीं रहता, वहां आप भूल जाते बहुत जल्दी। अब ये अलग से बताया ना मैंने अलग से लेक्चर में, तो आपको याद रहेगा, मैडम ने एक लेक्चर में अलग से समझाया था कुछ, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया। अब धीरे धीरे ऐसे बताती जाऊंगी कुछ डिफरेंट चीजें, जैसे मैं कहूं अभी सरफेस टेंशन, अगला न्यूमेरिकल आपका सरफेस टेंशन आने वाला है, ठीक है। हाँ देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन कह रहा है आपसे H बराबर 2S, H बराबर 2S cos थीटा, 2S cos थीटा R रो G, R रो G, ये बताना है कि डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे h हाइट है, s सरफेस टेंशन है, h बच्चों क्या है यहाँ पे हाइट, s क्या है बेटा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है, और r क्या है बच्चों रेडियस, और g क्या है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, और रो क्या है बच्चों डेंसिटी, रो क्या है बेटा यहाँ पे डेंसिटी। ये सब आपको गिवन है डाटा, और आपसे पूछा है ये चेक करिए क्या ये रिलेशन डायमेंशनली बच्चों आपका करेक्ट है, दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नो, ये बताना, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों, हो गया। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, ये मैंने आपको पहले नहीं समझाया था, आज समझाती हूँ। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखो बेटा सरफेस टेंशन का मैथमेटिकली डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में कहते हैं बच्चों द फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द लेयर, एंड फोर्स एक्ट एज ए सरफेस
लेयर कैसे ट्रीट करेगा एज ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। फिर से मेरी लैंग्वेज नहीं समझ आई आप सबको, मैंने कहा बच्चों ये लिक्विड है, बच्चों लिक्विड है, वाटर है, कोई भी लिक्विड है, उसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो कैसे ट्रीट करती है एज ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। स्ट्रेच मेम्ब्रेन मतलब बच्चों परत, मेम्ब्रेन मतलब बच्चों परत, स्ट्रेच मतलब खिंची खिंची परत, खिंची खिंची परत मतलब कि जब सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, परपेंडिकुलरली एक फोर्स लग रहा है लिक्विड लेयर्स के ऊपर, जिसके कारण वो एक खिंची खिंची परत की तरह होती है और वो मिनिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। कैसे, एग्जांपल से हम नहीं समझ आ रहा ना, अब मैं एक एग्जांपल देती हूं। दूध गर्म करते हैं घर में सभी, दूध को गर्म करा, दूध गर्म होने के बाद ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद नीचे तो दूध है और ऊपर एक लेयर बनी हुई है जिसे देसी हरियाणवी में कहते हैं मलाई। क्या कहते हैं? मलाई। वो मलाई किस, वो मलाई खिंची खिंची होती है बच्चों, उसमें फोर्स लग रहा है ऐसे ऐसे खिंची खिंची सी होगी, देखो दूध का ठंडा होने के बाद एक परत सी जम जाएगी ऊपर, मेम्ब्रेन मतलब परत, और वो कैसे ट्रीट करेगी खिंची खिंची परत के रूप। ठीक है, तो आपके पास उसमें जो फोर्स लगा ऐसा खिंचा खिंचा क्यों हुआ, क्योंकि उसके लिक्विड्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगा, और वो फोर्स जो लगा वो क्या था, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, और उसको नाम दिया बच्चों सरफेस टेंशन। क्या नाम दिया? सरफेस टेंशन। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, दोबारा दूध को गर्म करोगे तो मलाई ब्रेक हो जाएगी, मतलब तुम एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाओगे तो मलाई क्या हो जाएगी, ब्रेक। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। सरफेस टेंशन का मीनिंग समझाया, तो तुम्हारे दूध पियाने वाली मलाई है ना, वो सरफेस टेंशन है, एक खिंची खिंची परत जो दूध के ऊपर बनी हुई है, दूध की मलाई का जो काम कर रही है, मलाई दैट इज सरफेस टेंशन। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? फोर्स पर यूनिट लेंथ, परपेंडिकुलर फोर्स होता है बच्चों, लेयर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स होता है, स्पैनर में नहीं लगेगा, किसमें लगेगा? लेयर के परपेंडिकुलर। ठीक है, हाँ, और डिटेल पढ़ेंगे जब सेवेंथ यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, तो फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या आया बच्चों? आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है बच्चों? एम एल टी माइनस टू, तो सरफेस टेंशन एम एल टी माइनस टू बाई एल, एल से एल बच्चों कैंसिल, तो क्या आया एम टी माइनस टू, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बच्चों किसका? सरफेस टेंशन का। किसका आ गया? सरफेस टेंशन। अब बाकी तो सब तुम्हें पता ही है, डेंसिटी का बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम मतलब बच्चों वॉल्यूम मतलब एल क्यूब, तो एल की पावर माइनस थ्री हो जाएगा ऊपर जाएगा तो, अरे वॉल्यूम मतलब एल क्यूब ऊपर जाएगा तो एल की थ्री। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो एक्सेलरेशन का होता है, एक्सेलरेशन मतलब बच्चों वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एल बाई टी स्क्वायर, तो टी की पावर माइनस टू। ठीक है, बाकी सब लिख लेंगे। कोस थीटा क्या होता है? देखो कोस थीटा होता है, देखो आप कहते हो कोस थीटा की बात कर रहे हैं, ये थीटा आपने कहा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जैसे मैंने कहा ये एल, ये एच, ये आर, तो आप कहेंगे एल बाई आर, कोस थीटा ये कहेंगे ना, तो है तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ही ना बच्चों, अरे मैं लिखती हूँ कोस थीटा, देखो ये एक ट्राइंगल है, इधर देखो ये बेस, बेस को लिखा आपने एल से, ये एच, ये आर, cos थीटा को क्या लिखते हो बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो l बाई आर, तो है तो बच्चों डिस्टेंस ही ना, दोनों डायमेंशनली तो l l ही लिखेंगे, तो cos थीटा का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, तो cos थीटा क्या आएगा बच्चों? m जीरो l जीरो t जीरो, कोई डायमेंशन फॉर्मूला थीटा का कुछ, जहां भी थीटा आ जाए cos थीटा sin थीटा tan थीटा थीटा सब डायमेंशन लेस है, सब कैसे है बच्चों? डायमेंशनल लेस है बेटा। ठीक है, आगे देखो, तो क्या आया बेटा यहां से आपका, देखिए यहां से, अब इसको एच क्या है बच्चों? हाइट, अब चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आया बच्चों? हाइट मतलब एल, तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन फॉर्मूला आया बच्चों एल, या आप ये से लिख सकते हो एम जीरो एल टी जीरो। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को चेक करते हैं बच्चों, क्योंकि हमें तो ये चेक करना है कि ये रिलेशन डायमेंशनली बच्चों करेक्ट है या नहीं है बेटा। ठीक है, समझ आ रहा है? कैमरा सही चल रहा है, चेक कर लो एक बार। ओके बच्चों, तो ये बना राइट हैंड साइड, तो टू टू को बच्चों कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों नहीं होगा,
एस के सरफेस टेंशन, ये रहा इसका, तो एम एल एम टी माइनस टू, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया, एम टी माइनस टू। कोस थीटा का कोई डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों नहीं होगा तो वन लिख लो, लिखना चाहो तो एम, अरे एम जीरो एल जीरो टी जीरो, कोस थीटा क्या होगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, इसको वन लिख सकते हो ना। हाँ, और ऊपर क्या, नीचे क्या बच्चों, आर 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 मतलब एल, डेंसिटी का बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, एम बाई एल क्यूब ऊपर चला जाएगा, ये एम बाई एल क्यूब करेंगे तो ये एल क्यूब ऊपर चला जाएगा। एक्सेलरेशन का एल बाई टी स्केयर, एल बाई टी स्केयर, तो टी स्केयर बच्चों ऊपर चला जाए, देखते हैं आप कुछ कट जाए वो काट दो, एम से एम बच्चों कैंसिल, एल स्केयर से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या आया, ये दो पावर कैंसिल हो गई, एक बच गई ना, तो एल और ये टी की पावर माइनस टू और टी की स्केयर, तो एल टी की पावर माइनस टू प्लस टू, तो आप कहेंगे दिस रिलेशन इज डाइम, ये बना आपका जीरो, ये बना एल टी जीरो, आप लिख सकते हो एल टी जीरो मतलब वन बच्चों, या आप ऐसे लिख सकते हो एम जीरो एल टी जीरो। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी यही आया और राइट हैंड साइड में भी यही आया, तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों राइट हैंड साइड, तो आप कहेंगे दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, क्या कहेंगे, दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, समझ आ गया बेटा। तो कुछ रिलेशन थी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं सेंड करती हूँ, ठीक है, हाँ वीडियो लेक्चर को देख के प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लेना। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करें। ओके।